गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन का प्लान ये है कि हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं ऊपर ग्लेशियर के लिए। मुख्तसर सा ट्रैक है, ट्रैक करते हुए ऊपर ग्लेशियर तक जाएंगे, कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे, फिर वापसी, और फिर उसके बाद हमने आगे निकलना है आताबाद लेक के लिए, हुसैनी ब्रिज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हम इस वक्त ग्लेशियर के बिल्कुल पास ही गुजर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन आगे एक रास्ता है जहाँ से हमने नीचे उतरना है और इस ग्लेशियर के करीब जाना है। नहीं सीरियसली निसार भाई, वाकई? नहीं रियली, आर यू सीरियस? ध्यान दीवे, ब्रेक्शा 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 ब्रेक लगा भाई। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैं तो यहाँ से नहीं उतर रहा, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। नहीं, शॉर्टकट्स लाइफ में होने चाहिए, बट कहीं कहीं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। गुरुजी शॉर्टकट्स बहुत जरूरी होते हैं। रात हमने देखा लोग पौधों के साथ सेल्फी निकाल रहे थे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। लाइक मतलब आई मीन मतलब वो असल में मसला ये है कि दिल की कुंडी अंदर से होती है, वो फिर खुलवानी पड़ती है, बाहर से आप जोर नहीं लगा सकते। हमारे साथ ये जो जवान है, इसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत में हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं चेक करने आया हूँ। नहीं, ये चेक करने आया है कि इतनी दूर से सिर्फ इसी काम के लिए आया है कि या कुछ और भी करना है इन्होंने? हेलो, ये हमारे फौजी जवान आ रहे हैं इस वक्त। इनको हमने सजा दी है कि आप फौजी स्टाइल में दौड़ते हुए नीचे उतरे। ये पंचर वाला कहाँ बैठा हुआ? पंचर हो गए। ये मेरा पहला ट्रैक है जिसमें मैं मुसलसल नीचे उतर रहा हूँ फिलहाल ग्लेशियर के लिए, और जब वापसी पे चढ़ाई होगी तब क्या होगा तेरा क्या होगा कालिया। वी आर ऑलमोस्ट देयर। 20 मिनट्स हमें तकरीबन लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, बट वापसी पे पता चलेगा कि हम कितना टाइम लेते हैं वापस ऊपर जाने में। मेरे ख़्याल में हमें तकरीबन कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि जो हमारे बॉयज़ की कंडीशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो मेरी अपनी कंडीशन टाइट हो चुकी थी। केड़ा फोटो इतना जिंदगी मौत का सवाल थी, आप तो फोटो आ दिए। अच्छा, ये पाकिस्तान का वाहिद ग्लेशियर है जिसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। दुनिया का वाहिद ग्लेशियर है कि जिसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। ग्लेशियर में ये पता नहीं चलता कि आप बर्फ़ पर पांव रख रहे हैं या किसी और जगह पर। और अभी तो चूंकि ये ग्लेशियर का स्टार्ट है तो कीचड़ भी है, ज़मीन भी गीली है, बट पांव रखने के काबिल जगह है। सर, आर यू ओके? ओके, कम ऑन बॉय। ये जो आप बुर्जी देख रहे हैं ये बेसिकली पहाड़ी ट्रैक्स पर और ऐसे जब ग्लेशियर कोई क्रॉस कर रहा होता है तो उनके लिए रास्ते की निशानदेही करती है कि ये बेसिकली ह्यूमन मेड रास्ता है, यहाँ से आप गुजर सकते हैं। एक बुर्जी यहाँ लगी हुई है, एक पीछे लगी हुई थी, 2-3 आगे लगे हुए हैं, तो ये ग्लेशियर क्रॉस करके दूसरी तरफ जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है उसके परली तरफ एक और ग्लेशियर है। तो एक और ग्लेशियर का सामना था मुझको, मैं ग्लेशियर के पार जब उतरा। इससे पहले 2 ही मरतब इत्तेफाक हुआ है रायकोट ब्रिज ग्लेशियर के साथ साथ ट्रैक करने का, और
वहाँ पर चूँकि पत्थर ज़्यादा हैं, वहाँ पर कच्ची मिट्टी नहीं है, तो वो ग्लेशियर दूधिया सफ़ेद है। लेकिन ये आप देख रहे हैं, इस ग्लेशियर के सुरमई होने का जो मेन रीज़न है वो आसपास की कच्ची मिट्टी वाले पहाड़ हैं, मिट्टी हवा से उड़ उड़ कर और इस ग्लेशियर को मैला कर चुकी है। All right, we have been started back our journey upward. काफ़ी ज़्यादा अब चढ़ाई हमने चढ़नी है, वो देख रहे हैं ऊपर उस जगह तक जाना है और अभी से सांस की ये हालत है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओह, फाइनली आई बीन रीच्ड। बस यही रास्ता है, फिर उसके बाद पास ही हमारा रिजॉर्ट है, वहाँ हम जाएंगे और एक मुख्तसर सी ट्रिप मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप ट्रैक के लिए जाएं तो आप फिज़िकल फिट हो ना हो, मेंटली आप ज़रूर फिट हो, क्योंकि किसी भी ट्रैक पर आपकी टांगों से ज़्यादा आपकी विल पावर काउंट होती है। तो अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो हरगिज़ हरगिज़ ट्रैकिंग का मत सोचें। एंड हियर इज़ द सेकंड वन, मुताहिर भाई, वेल डन, वेल डन बॉय। बाकी वो एक नौजवान हमें नज़र आ रहा है, गलिबन निसार भाई हैं, और फिर वो बहुत आखिर में जहाँ मेरी आपको उंगली शायद नज़र आ रही है वहाँ पर होने तो तीन चाहिए, अच्छा तीसरा भी नज़र आ गया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस निसार भाई? ज़बरदस्त, मज़ा आया, इन्जॉय किया। मज़ा ऐसा आया कि भूल नहीं सकते, बंदा ऊपर मैं देखता नहीं था, मैं कहता था यार ये लोग इतने ऊपर चले गए, बस चुप करके सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ और चलते जाओ ऊपर नहीं देख रहे। डिसर्ड होता है बंदा। आपने कमाल किया वैसे। और ये हमारे गुरु जी आगे आगे होते, लेकिन जो हमारे दो आखिर में जवान आ रहे हैं इनकी वजह से सुस्त हो गए हैं। तो इस तरह गोल्ड मेडल हुआ मेरा और उसके बाद सिल्वर हम देते हैं मुताहिर को और आपको देते हैं डायमंड मेडल। क्या बात है, नगीना जुड़ा हुआ। तो इतने थका देने वाले ट्रैक के बाद अगर आपको गर्मा गर्म चाय का कप मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। आप कर ले, मेरी खैर है।